आज का जब मैं फ्रेंड्स ये केक बना रही थी ना, तो मन ही मन में ऐसी विश कर रही थी, मन ही मन मतलब मेरे ये ख्याल आ रहा था कि काश कभी ऐसा हो कि मैं भी वायरल हूँ, मैं अपने लिए भी ऐसा केक बनाऊँ। वायरल होने का सपना तो सबका ही होता है, हाँ किसी का पूरा होता है किसी का नहीं होता। तो आज मैं ऐसा विश कर रही थी। तो क्या केक है आप लोग गेस कर ही चुके होंगे, नहीं गेस किया है तो वीडियो को एंड तक देखना, ज़रूर पता लग जाएगा कैसा केक मैं आज बना रही हूँ, कौन सा डिज़ाइन है। तो यहाँ पर ये मैं 2 kg में केक बना रही थी और इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग टिन्स में केक को बेक किया था। टोटल मैंने यहाँ पे जो प्रीमिक्स लिया था वो लिया था 600 ग्राम्स। तो बटर स्कॉच फ्लेवर में ये केक बन रहा था और बटर स्कॉच सॉस मैं घर पे बनाती हूँ, मैंने बिल्कुल उसी टाइम बस फ्रेश फ्रेश बनाई क्योंकि स्टॉक में नहीं थी, और मैंने इस केक को लेयर करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर इन टोटल 6 लेयर्स थी मेरे पास जो मैंने स्टैक की हैं यहाँ पर, और उसके बाद मैंने बीच में क्रंचेस भी ऐड कर दिए थे और ये केक मैं लेयर कर रही थी। और स्पॉन्जेस को लेके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वीडियोस पे भी कमेंट आते हैं, अलग से भी मैसेज आता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, सारे स्पॉन्जेस मेरे एगलेस रहते हैं और सारे के सारे स्पॉन्जेस मैं होममेड प्रीमिक्स से बनाती हूँ, और उसकी क्लास मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन जो स्टूडेंट सीखते हैं उनको भी हम वही सिखाते हैं। तो कोई भी इस तरह का अगर स्पॉन्ज सीखना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर मेरे पेज पर है, तो मैं उसके साथ डिटेल शेयर कर दूँगी। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप आराम से इसमें बना के प्रोफेशनली काम कर सकते हो। बातों ही बातों में मेरा केक हो गया था भले अच्छे से सेट, क्रम कोट मैंने कर दिया था, देख रहे हो बहुत अच्छी हाइट भी आ गई थी, तो मुझे इतनी ही हाइट इसमें चाहिए थी। तो मैंने इसको कुछ देर रखा फ्रिज में और उसके बाद मैंने निकाला और मैं इसको सेट कर रही थी। तो अभी जो ये केक बनने वाला था ना, ये बिल्कुल वाइट होने वाला था, तो मैं इसमें थोड़ा सेट होने के बाद मैं इसमें लगा रही थी वाइट कलर की क्रीम, और मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ क्योंकि जब थोड़ी सी हाइट हो जाती है तो पाइपिंग बैग से लगाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो किस किस ने अभी तक गेस कर लिया है कि मैं कौन सा थीम का केक बना रही हूँ और कहाँ वायरल होने के सपने देख रही हूँ, वो अभी कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं गेस किया है तो वीडियो को एंड तक देखना। और वैसे तो अभी आई गेस वाइट से काफ़ियों को पता लग गया होगा कि वाइट बेस में मैं कौन सी थीम का केक बना रही थी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया था। फिर मैंने एक बहुत ही छोटा सा और केक बनाया था बिल्कुल कटर से कट करके, और इसकी मैंने 2 ही लेयर्स ली थी और इसको मैंने कर दिया था पाउडर कलर ऐड करके रेड कलर से। ऑल दो जो मुझे क्लाइंट ने इमेज भेजा था वो फुली फॉन्डेंट केक का भेजा था, तो मैंने उसको रेप्लिकेट करके फुली क्रीम में ये केक बनाया। तो यहाँ पे इतना डार्क रेड करने के लिए हमें पाउडर कलर का ही यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज इतना रेड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेट कर दिया था और अब मुझे इसके ऊपर रखना था इस छोटू से केक को। तो मैंने सेंटर चेक किया, उसी वाले से मैंने मार्किंग की और मैंने इस केक को रख दिया ऊपर। तो अब और उसके बाद फिर मुझे करनी थी इस केक की डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पे मैंने पहले एक डॉवल डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा दूर जाना है केक, तो डॉवल से थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। एक ही डॉवल डाला था, ज़्यादा डॉवल नहीं डाले थे। तो 2 kg का जो था वो मेरा बेस केक था और 250 ग्राम्स का मेरा ये छोटू सा ऊपर वाला केक था। यहाँ पर मैंने नीचे रिबन भी लगा दिया था और क्योंकि इसी तरह का मुझे इमेज शेयर किया गया था। ऑल्दो अगर आप रिबन फॉन्डेंट में लगाते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है, क्रीम में थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट अच्छे से सेट हो गया था वो भी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नोजल वर्क किया, तो यह सब तो आपको पता लग ही गया होगा, यूट्यूब केक था। तो यहाँ पे मैंने उसका लोगो वगैरह लगा दिया और जैसा मुझे इमेज भेजा था वैसा मैंने डेकोरेट कर दिया। तो ये था फाइनल लुक ऑफ द केक। आई होप आज का व्लॉग, आज का केक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना। ये था जो क्लाइंट ने मुझे इमेज भेजा था फुली फॉन्डेंट में, और ये है जो मैंने बनाया। तो आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।